नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी डे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजरीन। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 800 से अधिक लोगों का चालान किया। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मास्क नहीं पहनने को लेकर 813 लोगों का चालान किया गया, जबकि सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 5 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर 15 जून के बाद से 5,70,693 लोगों के चालान किए गए हैं। दिल्ली पुलिस 15 जून के बाद से 4,26,941 मास्क वितरित कर चुकी है। दिल्ली NCR में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और इस पर काबू पाने की सरकारों की भी सभी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क ना पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा आदि खाने पर भी ₹2,000 तक का जुर्माना देना होगा। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी डे न्यूज़।